हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इलाहाबादी गर्ल बबीता राज। मैं बबीता राज। आज की जो रेसिपी है बहुत ही स्पेशल है। ये खास तौर पे व्रत के लिए है और ये साबूदाना की टिक्की, पकोड़े, कटलेट या आप बड़ा भी कह सकते हैं। और ये बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत ही यम्मी टेस्टी लगती है और इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है बनाने में। फिर आइए हम बनाते हैं साबूदाना के पकौड़े। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 400 ग्राम साबूदाना लिया था जिसको 2 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था और इसमें ज़्यादा पानी मैंने नहीं डाला था, बस थोड़ा सा पानी साबूदाना से ऊपर डाला है। और ये देखिए फूल चुका है, इसे हम छन्नी में रखेंगे छन्ने के लिए। और मैंने ये छन्नी में रख दिया था 10 मिनट पहले, जिससे सारा एक्स्ट्रा पानी इसका निकल चुका है। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल आया है। मैंने 5 बॉयल आलू लिए हैं और इन आलू को हमें मैश करना है, या तो आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं और ये हाथों से भी मैश कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इसको मैश कर रही हूँ, तो सारे आलू को हम मैश कर लेते हैं इसी तरह। और एक एक करके मैं सारे आलू को मैश कर रही हूँ यहाँ पे। और ये देखिए मैंने आलू को मैश कर लिया है। मैं यहाँ आलू को साबूदाना में डाल के थोड़ा सा मिक्स करूँगी। सारे आलू मैं साबूदाना में डाल देती हूँ और इसे हल्के से हाथों से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे एक एक करके मैं सारे मसाले इसमें ऐड करूँगी। और यहाँ मैंने मूंगफली लिया था जिसको रोस्ट कर लिया था मैंने, और इसको दरदरा मैंने पीस लिया। ये मूंगफली लगभग 150 ग्राम है। और ये कटी हुई धनिया मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्च कटी हुई आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, जैसा आप तीखा खाते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 10 से 12 काली मिर्च के दाने लिए थे जिसको मैंने कूट लिया है। और एक बड़ा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया। दोनों को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं रेड चिली डाल रही हूँ, ये पाउडर नहीं है, कूटी हुई जो चिली आती है वो है। तो इससे कलर देखने में बड़ा अच्छा लगता है, आपके ऊपर आप डालना चाहो तो डालिए। और ये मैं यहाँ पे एक बड़े नींबू का रस निचोड़ूंगी। और यहाँ मैंने निचोड़ दिया है नींबू के रस। और यहाँ मैंने खाने वाला व्रत वाला नमक डाला है, सेंधा नमक मैंने यहाँ डाल दिया स्वाद के अनुसार। और फ्रेंड्स, यहाँ सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे साबूदाना में। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, तो मिक्स करने में कम से कम आपको 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। और ये देखिए मिक्स हो चुका है। तो आप व्रत के लिए बना रहे हो तो और कोई मसाला इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। व्रत नहीं हो, ऐसे ही आप खाना चाहते हो तो इसमें चाट मसाला, धनिया पाउडर और जीरा भुना हुआ डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं अब घी ली हूँ, हाथ में थोड़ा सा लगाने के बाद मैं छोटी छोटी लोइयाँ लूँगी और इसे गोल गोल करके टिक्की जैसा मैं बना लेती हूँ इसको, ये देखिए। और ऐसे बना बना के मैं सारे प्लेट में रख लेती हूँ। अब सारी टिक्की जैसे गोल गोल इसको बना लेती हूँ। आप चाहो जो भी इसको शेप देना चाहते हो वैसा दे सकते हैं। और ये देखिए सारी टिक्कियाँ मेरी बनकर रेडी हो गई है। और कढ़ाई भी मैंने ऑयल रख दिया है, गर्म हो चुका है। यहाँ चेक कर लेते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा इसमें डाल के चेक करते हैं कि हमारे पकौड़े फटते तो नहीं हैं। तो ये देखिए मैंने थोड़ा डाला है और ये फट नहीं रहे हैं। अब मैं एक एक करके सारी टिक्की इसमें डाल देती हूँ और 2 मिनट तक मैं इसको बिल्कुल टच नहीं करूँगी, नहीं तो ये फट जाएंगे। और गैस को बिल्कुल स्लो भी नहीं, बिल्कुल मीडियम में रखूँगी। 2 मिनट बाद मैंने यहाँ टिक्की को पलट दिया है, ये देखिए पलट दिया है मैंने सारा। और ये देखिए हमारी टिक्की लगभग पक चुकी है। तो इस टिक्की को पकने में कम से कम 10 मिनट लग जाते हैं आपको, क्योंकि अच्छी तरह से ये पकेगी तभी बिल्कुल क्रिस्पी बनेगी। तो आप चाहिए तो इसको फ्राई पैन में सेक भी सकते हैं, सेक के भी बन जाती है। तो उसमें 15 से 16 मिनट लग जाते हैं, उसमें ऑयल कम लगता है। फ्राई पैन में आप हल्का सा 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालिए या घी डालिए और टिक्की रख के इसको सेक सकते हैं ढक करके। और ये देखिए हमारे पकौड़े बन के रेडी हो गए हैं, साबूदाना के पकौड़े, टिक्की, कटलेट, बड़ा, जो भी आप इसको नाम दीजिए। बहुत ही यम्मी टेस्टी होते हैं, बहुत ही हेल्दी होते हैं व्रत के लिए। फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय।